कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केंद्र व पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को तीसरे चरण के लिए बढ़ाने के साथ साथ अलग अलग राज्यों से अपने गृह राज्यों को वापस जाने के चाहवान प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम शुरू कर दिया है। वहीं पर सरकार के प्रयास ने इंडस्ट्री की चिंता बढ़ा दी है, जिस कारण हालात बिगड़ने की आशंका है। हालांकि इसी बीच कई प्रवासी मजदूर पहले से रेलवे की बुकिंग भी करवाकर बैठे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान गुरमीत सिंह कुलार ने बताया कि इंडस्ट्री पहले से कोरोना वायरस कारण लॉकडाउन से परेशानी में है, तो ऊपर से प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने रेल मंत्री से लॉकडाउन से करीब 45 दिनों बाद रेलवे चलाने की मांग की थी। इसके अलावा सरकार को इंडस्ट्री के सहयोगी उद्योगी व बिजनेसों को भी साथ चलाना होगा, जो हमें कच्चा माल मुहैया करवाते हैं। साड़ी मैं गुरमीत सिंह कुलार, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलरली नोन एज फिको, कि सरकार ने कहा कि इंडस्ट्रियां नूं खोलो, और एक पासे सरकार इंडस्ट्रियां नूं खोलण दी गल करदी है, दूसरे पासे ट्रेनज लई जिहड़े माइग्रेटरी लेबरस आ, प्रवासी मजदूर आ, उन्हां नूं कह रहे हैं कि तुसीं अपनी रजिस्ट्रेशन कराओ। असीं हैरान हाँ कि सरकार चाहुंदी एक्चुअल की आ। जदों एक पासे इंडस्ट्रियां खोलण दी इजाजत आ, तां असीं रिक्वेस्ट भी कीती आ भारत दे रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी नूं और पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं, कि जिस दिन यह लॉकडाउन खुलता घट्टो घट 45 दिन का गैप होना चाहिए वा जिहड़ियां ट्रेनज चलाउण दा। अदरवाइज़ एक लॉकडाउन तो असीं चल रहे हैं अज 40वां दिन, एक अगला लॉकडाउन सानूं होर बर्दाश्त करना पएगा, जिहड़ा कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री वास्ते घातक सिद्ध होएगा। अज असी इंडस्ट्रियां अजे टोटल लॉकडाउन पीरियड के बैंकों का इंट्रस्ट पै रहा वा, और जो ये तीसरा साढ़े को लेबर भी नहीं होगी, तो वह लाइया मशीन जड़िया बहुत बड़िया मशीन जिन्हों के उत्ते करोड़ों रुपया लाया वा, वह ला के उन्होंने कोई चला वाला नहीं होगा, उन्होंने ऑपरेटर नहीं होगा, तो एक जी इंडस्ट्री की जी ग्रोथ आिल्कुल खड़ोत आ जाएगी। लेबर जा तो नहीं रही अजे, क्योंकि बॉर्डर के उत्ते बॉर्डर सील ने, तो उन्होंने पहुँचना बहुत मुश्किल आ। अगर सैकल की गल भी करिए, एक व्यक्ति वध तो वध 60 किलोमीटर का सफ़र कर सकता, तो झारखंड बिहार और यूपी दे विच पहुँचना बड़ा मुश्किल आ। पर राजपुरे दे विच क्वारंटाइन सेंटर बनाया होया, लेबर हजे नहीं जा रही, पर जो सरकार अर्जियां मंग रही है कि सानू अर्जियां दिओ रेलवे कोलों रजिस्ट्रेशन कराइए, तां मतलब लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे आ। कल कमिश्नर ऑफ पुलिस दे दसण मुताबक कि घट तो घट 10,000 जिहड़े प्रवासी मजदूरां ने अपनी रिजर्वेशन करवा दित्ती आ। सो ये बहुत जिहड़ी हैगी आ फैसला, गलत फैसला, फिको इहदा पुरजोर विरोध करदा वा। हजे 45 दिन तक के परमिशन नहीं मिलनी चाहीदी। दूसरी ओर जहां मजदूरों को अपने घरेलू राज्य जाने के लिए सरकार के पास ऑनलाइन निवेदन करने को बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी कई लेबर पहले से रेलवे टिकट बुकिंग करवा कर घर जाने को तैयार हैं, जिनका कहना है कि वे यहां बहुत तंग है, न काम है न खाने को रोटी, लॉकडाउन बढ़ने की बात आ रही है, अब घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सूत्रों की माने तो अब तक सैकड़ों प्रवासी लेबर प्रशासन के पास उन्हें घर भेजने को ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? सर मैं ध्यानी कुमार बोल रहा हूँ, कहाँ के रहने? बिहार से है जी। तो क्या वजह, क्यों जाना चाहते हो बिहार? सर यहाँ पे यह है कि लॉकडाउन काफ़ी लंबी रहने वाली है, जैसे कि पता लगा हमें लॉकडाउन काफ़ी लंबी रहने वाली है, तो इस करके हम लोग मतलब रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, तो इस तरह से हमारा घर चलाना जो है मुश्किल हो रहा है, और हमें कहीं भी तरीके से कोई भी हेल्प नहीं मिला अभी तक, तो इस करके जो है हम लोग गाँव जाना चाहते हैं, वहाँ पर सेफ रहेंगे अपने गाँव में, और यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है कि पैसों की वजह से। आपके और भी मेंबर फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियों में काम करते हैं, तो फिर ऐसे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अब ये सर ये नहीं पता, अब जैसे भी चले, लेकिन हमें वर्कर जो है, हम लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, तो लॉकडाउन की वजह से काम पे नहीं जा रहे हैं, तो हमें घर चलाने में मुश्किल हो रहा है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम सर यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, हम लोग के लिए ट्रेन मतलब चालू की जाए, और हम लोग सुरक्षित जो है अपने घर पहुँचे, नियम जो भी सरकार नियम देती है उसको मतलब नज़र रखते हुए हम लोग अपना घर जाना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बंटी है जी। कहाँ के रहने वाले? बिहार का रहने वाला हूँ। तो क्या वजह, आपने टिकटें बुक कराई हैं, क्या वजह है? मैंने सर गांव जाना चाहता हूँ, टिकट बुक कराई थी गांव जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं फंस गया हूँ, मेरे बाल बच्चे सब गाँव में हैं, लेकिन मैं क्या करूँ बताओ, काम भी नहीं चल रहा है कि काम करूँगा, कुछ पैसे आएंगे कि घर भेजूँगा, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं गाँव जाना चाहता हूँ। सरकार भी मेरी कोई मदद नहीं कर रही कि मुझे खाने के लिए मिले,
अब बताएं हम क्या कर सकते हैं। इंडस्ट्री फैक्ट्रियां ऐसे फिर कैसे चलेंगी? इंडस्ट्री फैक्ट्रियां जब चलेंगी, जब चालू होंगी, फिर उस टाइम आ जाएंगे माहौल के हिसाब से, लेकिन सबसे पहले तो बाल बच्चे देखने जरूरी है सर। अभी पैसे नहीं दे रहे फैक्ट्री मालिक? फैक्ट्री मालिक पैसे नहीं दे रहे सर। आपने कोई कंप्लेंट नहीं की इसके अकॉर्डिंग? नहीं सर, कोई कंप्लेंट नहीं की। अकेले आदमी क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो क्या वजह क्या मानते हो, यहाँ क्या दिक्कत परेशानी? यहाँ पर दिक्कत है सर कि यहाँ पे मतलब खाने पीने का परेशानी हो रहा है। वैसे टिकट भी मैं बुक करवाया था, वो भी पैसे के लिए, मतलब आजकल टहला रहे हैं कि अभी लॉकडाउन है, अभी पैसे नहीं मिलेगा, मेरे अकाउंट में अभी रिफंड नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली हितैषी। वॉच डेली हितैषी, वॉइस ऑफ नेशन।